नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह के जनपद आगमन पर यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष पृथ्वी सिंह यादव ने पूरी टीम के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में युवा ही इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि जब से केंद्र व प्रदेश में भाजपा सरकार आई है, गरीब दाने दाने को मोहताज है। इस सरकार में जनता से वादे तो किए जाते हैं, पर सभी वादे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं एवं पुनः समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नवाब सिंह यादव, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष कुंवर पृथ्वी यादव, महेश विश्वकर्मा, अशोक राठौर, वेद प्रकाश यादव, रमा शंकर श्रीवास, नोमान अहमद, जिला पंचायत सदस्य नृपेंद्र यादव, युवजन सभा के प्रदेश सचिव सौरभ यादव, सेंटू लोहिया, वाहनी के प्रदेश सचिव शैलेंद्र श्रीवास आदि उपस्थित रहे। प्रदेश में सबसे पहले तो युवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने जा रहे हैं, ये हम कहने आए हैं आज जनपद जालौन में। जन सैलाब उत्तर प्रदेश के लगभग 35 से 40 जिलों से होते हुए आज हम जनपद जालौन में पहुंचे हैं और नौजवानों का जन सैलाब है। जात धर्म पंथ मजहब से उठ के हर समाज का नौजवान आज आदरणीय अखिलेश यादव जी को अपने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, ऐसा प्रमाण उन्होंने सड़कों पे उमड़ के जनपद जालौन में संदेश देने का काम किया। हम ये कहने आए हैं कि जनपद जालौन का आज जो उत्साह हमने देखा है, जो महसूस किया है हम अपने नेताओं के काम को, उस भरोसे पे कह के जा रहे हैं कि जनपद जालौन की तीन सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में नौजवान डालने जा रहा है। जनपद के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? जनपद का युवाओं से हमें सिर्फ एक ही बात कहना है, आप आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनवा दो, आदरणीय अखिलेश यादव जी आपका सब सपना पूरा करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो आपको 2-2 करोड़ का नौकरी का झांसा देकर के आपके सपनों के साथ खेलने का काम किया, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने नौजवानों के सपनों को पूरा करने का काम किया हो। चाहे हमारे छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया हो, चाहे हमारी माताओं बहनों को समाजवादी 55 लाख समाजवादी परिवार को समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम किया है, हमारे गांव से ग्रामीण अंचलों से जनेश्वर मिस ग्राम। यूएफटी न्यूज 24 के लिए सुधीर राणा की रिपोर्ट।